फिश जो है वो थोड़ी तगड़ी थी माशाल्लाह, तो हमने बनानी थी तवे पे, तो मैंने कहा ये तो अंदर से कुक नहीं होगी, तो इसको दरमियान से फिर जो है ना वो काट के तो दो हिस्से करवा लिए। शाहान आज घर पे ऑस्ट्रेलियन तोते लेके आया है। हाथ से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे नरम करें, उसके बाद उल्टा करके इसको पीटना शुरू कर दें। अगर आपके पास छुरी बड़ी है मेरी तरह तो बैक साइड से शुरू हो जाए। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है ना इसकी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। संडे का दिन है, मैं और शहान भाई आज फिश ढूंढते ढूंढते सब्जी मंडी आ पहुँचे हैं। हमें करीब से फिश नहीं मिली, तो छुट्टी का दिन था, मैंने कहा कोई प्रोग्राम हो जाए, तो शहान कहने लगा आज फिश प्रोग्राम होना चाहिए, तो हम लोग फिश लेने के लिए मंडी के पास आ गए हैं। अभी भाई को बोला है, भाई फिश बना रहे हैं। फिश जो है वो थोड़ी तगड़ी थी माशाल्लाह, तो हमने बनानी थी तवे पे, तो मैंने कहा ये तो अंदर से कुक नहीं होगी, तो इसको दरमियान से फिर जो है ना वो काट के तो दो हिस्से करवा लिए ताकि जल्दी से आसानी से कुक हो जाए। तो अब ये वाले जो पीस है ना, ये तवा मछली बनाने के लिए ठीक है। तो ये कौन सी है? ये रहू छोटे साइज की? नहीं, ये रहू है छोटे साइज की, पत्थर जो है जिसे मली कहते हैं वो है इनके पास। और बाकी यहाँ पे मार्केट बन गई है, फिश मार्केट पूरी, उस तरफ भी और उस तरफ भी काफी ठेले लगे हुए हैं। मैंने सोचा सब्जी मंडी आए हुए हैं तो क्यों ना अपने लिए कोई फ्रूट या सैलेड का सामान भी लिया जाए। मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है अनार ने, अनार आजकल मंडी में काफी इन है, नया फ्रूट है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाँ भैया, अनार की भाई? उची बोल, 300 गांव में हमारे भी 250-300 ही रेट है, और मंडी में भी, मंडी का फिर आने का क्या फायदा अगर ये रेट यही मिलना तो। बाकी ये है कि ये अनार बहुत अच्छा है, ये आम लोग जो है वहाँ पे देहातों में लेके नहीं जाते बेचने के लिए। आपको ये क्वालिटी चाहिए तो आपको मंडी ही आना पड़ेगा, तो हमने अपने लिए 2.5 किलो जो है ना वो लिया है। शहान आज घर पे ऑस्ट्रेलियन तोते लेके आया है, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इत्तेदा सनिया घर बहुत खुश हो रहा था देख के, मिराल और अबीर तो गए हुए हैं, वैसे आज आ जाएंगे, मिराल बहुत खुश होगी। अपने होम गार्डन से तोड़ेंगे जी लीमू और फिश को मैरिनेट करेंगे। लीमू काफ़ी दूर दूर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तवा फिश जो है वो पहले भी मैंने एक दिन बनाई थी, उसकी जो रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। डीप फ्राई करने से बेहतर है कि आप तवा फिश बना के खाएं। तवे पे थोड़ा सा घी डलता है, कढ़ाई में आपको भर के डालना पड़ता है और डीप फ्राई करनी पड़ती है, उससे इसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, न्यूट्रिशन जो है वो भी ज़ाया होती है। तो अगर आपने फ्राई ही खानी है तो तवा फ्राई करें। माशाल्लाह से फिश बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट हुई है, अभी इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, रेस्ट देंगे और बाद में फिर इसे तवे पर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जहान अपने नए मेहमानों के साथ लाड करने में मसरूफ है। कहाँ से लेके आए हो? बस मिल गई किसी दोस्त से। क्या तोहफा मिला? हाँ, तोहफा मिला। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अभी वक्त हुआ है मंडी से लाए गए स्पेशल अनार को ट्राई करने का, उम्मीद तो है कि मीठे होंगे। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि इसको निकालना कैसे चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फुल रेड कलर। अच्छा, इसको निकालने के लिए ना आसान तरीका ये है कि आप चारों तरफ एक छोटा छोटा कट दें ऐसे, हाथ से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे नरम करें, उसके बाद उल्टा करके इसको पीटना शुरू कर दें। अगर आपके पास छुरी बड़ी है मेरी तरह तो बैक साइड से शुरू हो जाए।
हल्की हल्की ज़रबें लगाने से जितने भी दाने होंगे अनार के आराम से जो है ना वो निकल आएंगे। वैसे अगर आप इसको हाथों से निकालने बैठेंगे तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें सारे दाने जो है ना वो निकल गए। जबरदस्त, वाह जी वाह। हल्के हल्के खट्टे हैं, ज्यादा मीठे हैं, तो खट्टे मीठे बड़े मजे के लगते हैं। इसके बेनिफिट्स अगर आपको पता चल जाए ना कितने ज्यादा, तो आप ये जरूर खाया करें। आजकल तो सीजन है, इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी बढ़ते हैं, तो ये जरूर खाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू करते हैं अपना तवा फिश। इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख लें। अभी मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूंगा, चले मैं ये अभी इसको तवे पे बना लूं फिर आपको दिखाता हूं। माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त लुक आ रही है ना इसकी। खाने में बहुत टेस्टी होती है। माशाल्लाह से नए मेहमानों को बाहर लॉन में रख दिया, शाम का टाइम है, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का मौसम एंजॉय करें। अभी मैं जा रहा हूँ अबीर लोगों को लेने के लिए, वो आ रहे हैं, तो देखे आके वो कितना खुश होते हैं इन्हें देख के। मिराल तो बहुत ही खुश होगी। माशाल्लाह से मिराल फातिमा लोग आ गए हैं। अबीर माशाल्लाह आज बड़ा प्यारा लग रहा है। अबीर ये वाला ड्रेस कहाँ से लिया है? चले अब घर चलते हैं। आपको पता है अबीर हम लोगों ने मियाँ मिठू लिए हैं। हाँ मिठू लिए, हाँ घर है, हाँ सच बोल रहा है। अरे अबीर, अबीर बहुत खुश है, मियाँ ने भी मिठू लेने हैं, मियाँ मिठू। चलो चल चलें घर। और सरप्राइज, मियाँ मिठू तोते मिराल तोते, ओए 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 नेने, बस बस उनको तंग ना करो बेटा। बस सब बच्चों को तोते मिल गए हैं, ये छुटकों को भी, ये भी बड़ी खुश है, और बस खेलने के लिए इनको सामान मिल गया। और ये थी अपनी संडे की रूटीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।